आज का जो ये धरना हमने दिया है चुनाव आयोग से, ये मांग करने के लिए कि त्रिपुरा के अंदर जो त्रिपुरा पश्चिम का चुनाव हुआ है उसमें 500 से ऊपर अधिक बूथों पर रिगिंग की गई है। तमाम गांव में, इलाकों में जो अल्पसंख्यक आबादी रही है उसको घेर करके उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, बूथों पर अपने वोट डाले गए। वहाँ पर जो 500 से अधिक बूथ हैं जिस पर पार्टी ने कल ज्ञापन दिया है उस पर दोबारा चुनाव कराया जाए। दूसरी मांग हम ये करने के लिए आए हैं, अभी त्रिपुरा पूर्व की जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वहाँ पर जो भी दल बल की जरूरत है चुनाव आयोग को लगा करके वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने की जरूरत है। व्हाई द लेफ्ट इज टारगेटेड मोस्ट ऑफ ऑल, इट इज बिकॉज इट इज लेफ्ट विच हैज बीन कंसिस्टेंटली voicing its concerns over the mishandling of the country by the Modi government, by the BJP RSS, and attack on the vulnerable sections of our society. We have been consistently fighting for people's rights, and that is what irks them, irritates them, and they want to finish the left. They are attacking the left everywhere, whether it is West Bengal, whether it is Kerala, whether it's Tripura or anywhere. That is the main reason why they are on the prowl. In Tripura, the election was held in the month of February in 2018, and on 3rd March 2018, election result declared. And from that very day, BJP made their barbaric attack. They attacked so many people, more around 2,000 people were attacked, wounded by the BJP people. And so many houses were gutted, so many houses were vandalized. And our all the party officials, except a few, all the party officials has been vandalized in the state. ये तो फिरकाप्रस्ती है, इसको नीति तो कहते नहीं है तो अनीति है। भाई सबको अपने मताधिकार का अधिकार है और उसको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करने देने के लिए जो जहां पर भाजपा के लोगों ने त्रिपुरा हो चाहे बंगाल हो कहीं भी ऐसा कदम उठा रहे हैं वो सरासर गलत है। तो मेरा ये मानना है कि सबको ले के चलने की ज़रूरत है, तभी देश का विकास हो सकता है, नाटकों से विकास नहीं होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्शन, इलेक्शन इज मेंट फॉर पीपल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू इलेक्ट their representative. Now, if you are prevented from exercising your right, that it in itself tells you that there is an attack on democracy. Plus, add to the fact that the prevention happened physically. Prevention happened by attacking the people, particularly the left activists. The promises which have been given by the BJP leaders, that promises have not been fulfilled. That's why in this election they are feeling that people will not vote in favor of us, they will vote against us. That's why they have tried to prevent the voters of CPIM and others people, those who are not favoring them. RSS to ghosna kiya hai hamara shatru kon hai, hamara shatru hai कम्युनिस्ट, मुस्लिम और क्रिश्चियन। वो तो उनको घोषणा कर ही दिया, पहले से ही कर दिया उनको नेता लोगों ने। तो इसलिए लेफ्ट को ख़त्म करने के लिए आरएसएस और उनका पॉलिटिकल जो विंग है बीजेपी वही काम कर रहे हैं पूरा देश में। इसलिए देखा त्रिपुरा एक छोटा स्टेट है, उस टाइम जिस टाइम इलेक्शन हुआ स्टेट का उस टाइम और कुछ राज्यों पे भी इलेक्शन हुआ, लेकिन मोदी जी ने जो 3rd मार्च इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ मोदी जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला त्रिपुरा का इलेक्शन जीतना हमारे लिए बहुत बड़ा काम हुआ कि आइडियोलॉजी का आघात कर सका, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का आघात कर सका। तो इसलिए बाएं बाजू जो चिंतन है त्रिपुरा में उसका पूरा का पूरा ख़त्म करने के लिए वो बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए ऐसे ऐसा आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं होते, पूरा दुनिया में ख़त्म नहीं हुआ, इन भारतवर्षों में, इंडिया में नहीं होंगे और त्रिपुरा में भी नहीं होंगे। अभी थोड़ा
उनको भयभीत करके किसी को वोट डालने के लिए मना कर सकते, रुक सकते, लेकिन अगले दिन में वो सब उभार के आएंगे। आज ये बहुत बड़ी लड़ाई है कांग्रेस, सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ ही नहीं, जनतंत्र को ध्वस्त करने के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा था, जनतंत्र का पुनर्स्थापना किया, लेकिन इस बार ये दो है दुगुना लड़ाई है, एक अपने देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर और दूसरा हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर। अब ये दोनों नहीं बचेंगे तो धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो हमारा संविधान कहता भारत है वो नहीं बच पाएगा। तो आज सिर्फ हमें वोट मिलने की बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को वोट डालने दें, सवाल है बहुत बड़ा लड़ाई आज के दिन अपने भारत की चरित्र जो अपने संविधान में है उसकी रक्षा करने की ज़रूरत है, और भारत को बचाते हुए आने वाले दिनों में अपने संघर्षों के द्वारा एक बेहतर भारत का निर्माण करना।